सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ साथ बॉलीवुड में अपने गुस्से के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो किसी की बात नहीं सुनते। सनी देओल ने अपने कैरियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अब तक गद्दार, घायल, त्रिदेव सहित कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सनी को फिल्म जगत में एक एक्शन अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। सनी ने अपने फिल्म गद्दार में तो पड़ोसी मुल्क का हैंडपंप ही उखाड़ दिया था। उनके साथ इस फिल्म में अमीषा पटेल ने काम किया था। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन इस फिल्म के लिए अवार्ड लेने एक फंक्शन में पहुंचे सनी देओल ने कुछ ऐसा किया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दरअसल सनी देओल को फिल्म गद्दार के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन सनी को ये अवार्ड पसंद नहीं आया था और वो अवार्ड को बाथरूम में छोड़कर ही चले गए थे। वैसे सनी देओल सहित बॉलीवुड के कई कलाकार ऐसे हैं जो अवार्ड्स मिलने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते और ना ही वो किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनते हैं। सनी देओल की तरह उनके पिता धर्मेंद्र को भी अवार्ड्स पसंद नहीं। इन दोनों ने ही फिल्म जगत में दिए जाने वाले इन अवार्ड्स को लेकर कई बातें कही हैं और अवार्ड के दिए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। चलिए जानते हैं कि बाथरूम में अवार्ड छोड़ने की सनी की क्या वजह थी। जी टेली फिल्म्स के पूर्व सीईओ संदीप गोयल ने अपनी किताब ऑनेस्ट टू गॉड में इस बात का जिक्र किया था कि आखिरकार सनी ने अपना अवार्ड बाथरूम में क्यों छोड़ा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि साल 2001 में आई फिल्म गद्दार का निर्माण जी टेली फिल्म्स ने ही किया था। इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन भी जी ने ही करवाया था। हालांकि जब फिल्मों में अवार्ड देने की बारी आई तो लिस्ट में आमिर खान की फिल्म को शामिल किया गया, लेकिन सनी देओल की फिल्म गद्दार इस लिस्ट से बाहर थी। दरअसल जी ने ही सनी देओल की फिल्म गद्दार का निर्माण किया था और यही वजह थी कि फिल्म को इस अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं किया गया था। इस अवार्ड फंक्शन में आमिर खान की फिल्म लगन को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी के साथ आमिर खान को बेस्ट अभिनेता के तौर पर पुरस्कार मिला। सनी देओल भी इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए थे और उनके सामने ही ये अवार्ड आमिर लेकर जा रहे थे। जी टेली फिल्म्स के पूर्व सीईओ संदीप गोयल ने अपनी किताब में ये बताया कि सनी देओल जब इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए तो उन्हें कुछ लोगों ने भड़का दिया कि उन्हें इस शो में बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था। संदीप गोयल का कहना है कि इस अवार्ड फंक्शन में सनी देओल के लिए एक खास अवार्ड रखा गया था। उनका ये अवार्ड बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चॉइस अवार्ड था। इस अवार्ड को लेने के लिए सनी देओल मंच पर आए भी थे, लेकिन अवार्ड लेने के बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। डॉक्टर संदीप ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें शो के बाद ये सूचना मिली कि सनी देओल अपना अवार्ड बाथरूम में ही छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ कि सनी देओल ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनके और सनी देओल की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। संदीप गोयल की किताब के अनुसार सनी देओल को उसी वक्त से अवार्ड फंक्शन और अवार्ड देने की इस प्रक्रिया से नफरत हो गई और यही वजह है कि वो अब किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं होते। वैसे सनी देओल के साथ साथ आमिर खान, कंगना जैसे कई सितारे हैं जो अवार्ड मिलने में यकीन नहीं रखते हैं।